सजदा तेरा सजदा रहूं मैं तेरा सजदा। सो कैसे सर सो के तक मैंने चली यार कि मैं नमस्त सभी को। सो आज है जी टिक्का, यानी भाई दूज कह लो टिक्का कह लो, तो आज है वो दिन। एंड हर चीज़ का ना एक मुहूर्त होता है, जैसे दिवाली पे मुहूर्त ऐसे निकलता कि लगभग 6:15 से 8:15 के बीच में पूजन की जाए, उसी तरह आज का टाइम मॉर्निंग का नहीं बल्कि थोड़ा लंच, जो लंच टाइम होता है उस टाइम में निकला है, वो है लगभग 1:15 से 3:15। तो अब तभी मनाएंगे भाई दूज, और हम तो चलो हमें तो अंदर से खुशी होगी, आज जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, अपन आराम से उठेंगे। अभी बजे हैं करंटली 11:30 बजे एंड यहाँ तैयार व्यार होना अभी मुझे, तो लेट्स गेट रेडी। आई एम रेडी 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 यस। ऐसे जाएंगे अब भैया दूज या फिर टिक्का स्लैश टिक्का मनाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम अल्फा वन। सूर्यवंशी मूवी देखनी है? नहीं, वो डायरेक्ट डिसाइड करेंगे, क्योंकि आई एम कन्फ्यूज कि देखें ना देखें, क्योंकि देखने का मन था, क्योंकि काफ़ी देर से तब से प्लान था, पिछले साल अप्रैल में आनी थी ना 2020 में, तब था कि बन जाएंगे, पर उसके बाद फिर एंड कल थोड़ी रेटिंग आई एंड काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो आई डोंट नो क्या पता बन जाए क्या पता ना बने, लेट्स सी। चलो हम फटाफट मनाते हैं भाई दूज। हमने जस्ट खत्म की है मूवी सूर्यवंशी। मानिक 10 में से कितने स्टार? 7 और कोई यानी बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी? जब तीनों एंटर करते हैं, तीनों की एंट्री एक साथ होती है। मेरी रेटिंग रहेगी 10 में से 6 एंड और मेरा बेस्ट पार्ट है जब जब रणवीर सिंह है ना सीन में, तो भी मेरे को बस हादसा हादसा आ रहा था, या वो मैं स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सही लगा मेरे को, बीच में तो पता नहीं मतलब क्या बोल, थोड़ी ऑब्वियस चीज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। मूवी टू मुझे क्यों ऐसा लगता है, हम दो हमारे दो नहीं। हाँ जी बताओ कैसी लगी आपको? ठीक ठाक। 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? 6 10 में से रेटिंग 7.5। सबसे अच्छा सीन या फिर सबसे बुरी बात ऐसा कुछ? हाँ बस एक वो टुगेदरनेस वाला अच्छा है, स्टार्टिंग अच्छी थी, काफी कॉमिक था, फनी था, ह्यूमरस मूवी अच्छी है, सीरियस प्लस ह्यूमरस। टॉकिंग अबाउट माय रिव्यू, मेरे हिसाब से दोनों मूवीज ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे मैं उसको 6 दिया, मैंने उसको 6.5 रेटिंग दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है तो आपकी मर्जी है, तो दोनों में से कौन सी भी देख सकते हो। एंड ह्यूमर लगभग दोनों में बराबर सही है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो ज़्यादा उसमें, जब रणवीर सिंह आता तो ह्यूमर का लेवल बढ़ जाता है, इसमें स्टार्टिंग में रोल है एंड आगे थोड़ा ज़्यादा जाते थोड़ी सीरियस हो जाती है। फर्स्ट हाफ ज़्यादा मतलब कॉमिक है, सेकेंड हाफ इज़ अ बिट सीरियस। सो या दोनों लाइट हार्टेड मूवी से कोई भी देख सकते हो, अगर आपके पास क्वालिटी हॉटस्टार की है इसमें सब्सक्रिप्शन तो ये देख लो, स्पेशली अगर खरीदने का मन नहीं है, पर अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो थिएटर का देन सूर्यवंशी देख लो, योर चॉइस। ठीक है जी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके बैकिंग को हिट कर देना। नमस्ते।